शॉट, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े जंगल के अंदर। वहाँ क्यों? मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता, वहाँ मुझे कोई आवाज सुनाई पड़ी थी। मैं सोच रही हूँ कि उड़ जाऊँ, तुम्हारी पीठ पे बैठने से ज्यादा अच्छा है। तेज, और तेज। सैम, अपनी गेंद संभालो। मुझे माफ कर दो। उठा लो। ये रास्ता हमें खजाने की ओर नहीं ले। अरे थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है किस्मत खुल जाए। अपनी गेंद मत भूलो। ठीक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। क्या मजाक है, ये अच्छी बात नहीं। हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? बक्शॉट कहाँ गया? क्या तुम ऊपर से देख सकते हो? हाँ, अभी वो हमसे बहुत दूर है। चलो मेरे साथ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, आओ मेरे पीछे। किस बात का इंतजार है? चलो। हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। जादू। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे जादू को मान लिया बक्शॉट। क्या? मैं पेड़ों का राजा हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा दिमाग की शक्तियों से कर लेता हूँ। बक्शॉट वो बहुत समझदार राजा है, तुम जानती हो। मेरे करीब आओ तुम लोग, डरो मत मुझसे। बहुत पहले तुम्हारे माता पिता मुझसे मिलने आया करते थे, वो इस खूबसूरत पहाड़ों के नीचे जाया करते थे। क्या तुम मेरे माता पिता को जानते थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पेड़ों का राजा हूँ और सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं उन जानवरों को भी जानता हूँ जो यहाँ रहते हैं। और मैं तुम्हारे दोस्त सिम्बा को भी जानता हूँ और तुम्हारी माँ को भी जानता हूँ, चमेली, जिसने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। ओह, आप सब कुछ जानते हैं। लगता है बक्शॉट ने चमकदार पत्थर खो दिए हैं। अजीब है, पेड़ से बात कर रहा है। रुको, उसे परेशान मत करो, बक्शॉट पेड़ों के राजा के साथ बात कर रहा है। पेड़ों का राजा? तुम्हारा मतलब उस पेड़ से? हाँ, उसके माता पिता राजा के दोस्त थे। मुझे ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुझे भी। मेरे लिए अब इस जंगल में कुछ भी अजीब नहीं है। क्या ये सच है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त सिम्बा को जानते हो? हाँ, मैंने उसके शरीर पर सितारे देखे, वो भालू के साथ था। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ चाहिए? हाँ, मैं जानता हूँ। और तुम्हें वैसा कुछ मिल जाए तो तुम उसका करोगे क्या? उससे मेरे माता पिता को गर्व होगा। बक्शॉट, क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ था? नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तीन बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं बताता हूँ कितने बहादुर थे।
रहो। बेचारा बक्शॉट कितना दुखी हो गया। हाँ। लगता है पेड़ी से पागल बना देगा। हाँ चलो हमें अपने दोस्तों के पास चलना चाहिए। सही कहा तुमने, चलो। अरे रुको तो जरा। रुको, यहाँ पर तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी थी। बक्शॉट, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम यहाँ बड़े हुए हो, मुझे खुशी है कि तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। रो मत। हा? इससे तुम्हारी माँ को दुख होगा। तुम उसे देख नहीं सकते, पर वो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, वो हमेशा तुम्हें देख रही है। ओ, गुदगुदी मत करो, ये पक्षी मेरी जरूरत है। मेरी डाली पर आश्रय लेती है। मैं उन्हें भगा सकता हूँ? नहीं नहीं, रहने दो। उन पंछियों को मेरी जरूरत है। इन शाखाओं में उनके घोंसले हैं। ये सच में बहुत प्यारी है। तुम इन्हें परेशान क्यों करती हो? वो पेड़ों के बहुत पुराने राजा हैं। हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। पक्षियों को परेशान मत करो, उन्हें पानी पीने दो। तुम्हारा मतलब पक्षी भी पानी पीते हैं? कितने प्यारे हैं ये सब। तुम जानते हो बक्शॉट, पानी सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो पौधे हों या जानवर हो। ये सारा जंगल पानी की वजह से ही पनपा है और अब बहुत सारे जानवर इसमें शरण लेते हैं। ये पेड़ वास्तव में प्रकृति के सही संरक्षक हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मनुष्य पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ना समझ हैं। जब इस पृथ्वी पर पेड़ नहीं बचेंगे तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें धरती को बचाने के लिए पेड़ों की और पानी की रक्षा करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह समझ गए बक्शॉट, तुम बड़े होशियार हो। बच्चों, सिम्बा और बक्शॉट कहाँ हैं? सिम्बा सबको बता रहा है कि शिकार कैसे करते हैं। क्या बक्शॉट वहाँ नहीं है? नहीं, वो सैम के साथ चूहों को देखने गया। तुम जाओ, उन्हें ढूंढकर गुफा में ले आओ। ठीक है। बक्शॉट, क्या तुम वहाँ हो? कोई भी नहीं है, चलो कहीं और ढूंढते हैं। ठीक है। मोटू, क्या तुम अंदर हो? अरे तुम दोनों?
अरे एलेक्स, क्या तुमने बक्शॉट को देखा? वो सैम को छोड़कर चूहों के साथ गया है। किस तरफ? जंगल में झील के रास्ते। आओ चलो चलते हैं। हमें किस रास्ते से जाना होगा? मुझे भी नहीं पता, शायद हम रास्ता भूल गए हैं। उन्हें आवाज लगाते हैं। बक्शॉट, बक्शॉट। अरे वो तो अकड़ू पकड़ू है। बक्शॉट, ये किसकी आवाज है? सैम की आवाज है। पकड़ू, बक्शॉट कहाँ है? वो शायद पागल हो गया है। क्या मतलब है वो पागल हो गया है? वो पेड़ के सामने गोल गोल नाच रहा है। कभी नाचता है, कभी रोता है, सब कुछ बड़ा अजीब है। ये सच है कि वो नाटक नहीं कर रहा है। हम उसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। उसने कोई जहरीली चीज खाई होगी और उसी का असर हुआ होगा। चलो उसके पास चलते हैं। वो बहुत दूर है, हमें उसे बचाना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो भी, चलो। अब चलो भी मोटो। चलो मोटू, अपनी तरकीब आजमाते हैं। इसे कैसे पार करेंगे? अब हम क्या करें? अब क्या करें? आसपास तो कोई रास्ता नहीं है पार करने का। मैं बस छलांग लगाता हूँ। क्या कूदोगे? मत करो ऐसा, ये खतरनाक होगा। जाओ। आप पतलू हाथ हटाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है। बहुत ऊंचाई से गिर गए। ये जिंदा है और सांस ले रहे हैं। क्या हुआ, कोई सपना था क्या? मुझे लगता है तुम लोग बहुत जल्दी में हो। हम बक्शॉट को ढूंढ रहे हैं। बक्शॉट किसी मुश्किल में है और हमें उसे बचाना है। पर तुम लोग इस तरह से पार नहीं कर पाओगे। हमने गलती की है, पर मैना ने हमें नहीं बताया था। मैंने सुना था, वो कह रहे थे हमारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बहुत शरारती हो। तो तुम समझ गए। धन्यवाद। इस दिशा में जंगल के बीच में पेड़ों का राजा रहता है। वो बहुत ही प्राचीन है और जंगल की सारी कहानियों को जानता है। अगर वहाँ जाना है तो नदी पार करनी होगी। नदी पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे लिए पुल बनाऊंगा। आ जाओ। अच्छा विचार है का? तुम एक बढ़िया पुल बन गए हो। मजा आ रहा है। अब तुम लोग आगे जाओ, वो जगह पास में ही है। समझ गए ना? वही तुम्हें बक्शॉट मिलेगा। अगर वो वापस नहीं आया तो? इतना गलत मत सोचो मोटू, हम जितने अच्छे से हो सकेगा कोशिश करेंगे। वो देखो, वो अभी भी वहीं पर है। मुझे बताओ बक्शॉट, क्या तुम्हें मेरा जंगल पसंद है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हें यहाँ अपनी माँ का एहसास होगा, उनके होने का एहसास। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि तुम यहाँ मत रुको, अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं समझ रहा हूँ माँ,
मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊंगा। तुम वापस जरूर जाओगे? हाँ, मैं भी सिम्बा की तरह बहादुर बनना चाहता हूँ और भालू के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। तुम यहाँ रुके तो सब सीख जाओगे। नहीं, पर मेरे दोस्तों के साथ सीखने के लिए जंगल में बहुत कुछ है। हम एक साथ खेलेंगे और साथ साथ कमाल करेंगे। यकीन है ना तुम्हें? हाँ, मुझे यकीन है। जरा ठहरो, एक और बात, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम जंगल में वापस अपने दोस्तों के पास जाओ, ये बताओ तुम्हें कौन सा तोहफा चाहिए? क्या तुम सिम्बा की तरह शक्तिशाली होना चाहते हो? मैं पेड़ों का राजा, आज मैं तुम्हें जंगल की सारी शक्तियाँ देता हूँ और जंगल का सारा प्राचीन ज्ञान देता हूँ। मेरी जादुई शक्तियों से तुम्हारे सीने में पत्तियों के निशान बन जाएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। प्यारे बकशॉट, ये सातों निशान तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे जो तुम्हारे सीने में हमेशा रहेंगे। अब जाओ, अपने आप को जाकर पानी में देखो। बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मुश्किल समय में सारी शक्तियाँ तुम्हारे काम आएंगी और तुम अपनी शक्तियों के कारण सही निर्णय ले सकोगे। हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास आओ। ये रास्ता है। देखा तुमने बकशॉट, कितना शानदार लग रहा है ना? बिल्कुल हमारी तरह शानदार लग रहा है। हाँ, तुम्हारे पास भी निशान है? बिल्कुल सिम्बा की तरह। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहादुर लग रहा हूँ? हाँ, क्यों नहीं, और बहुत बुद्धिमान भी। जरूर तुम एक दिन इस जंगल के राजा बनोगे बकशॉट। बकशॉट में सारे गुण है राजा बनने के। गुदगुदी करना बंद करो। अब तुम लोग भी घर जाओ, काफी देर हो चुकी है और रात में जंगल खतरनाक हो जाता है। हाँ पेड़ों के राजा, तुम्हारे इस तोहफे का बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। चलो, तुम लोग अब गुफा में जाने के लिए तैयार हो तो चलो। रुको, तुम्हारी नई शक्तियों को परखने का यही मौका है। क्या तुम हमें अपनी पीठ पर ले जा सकते हो? उन्हें एक बार बैठे दो बकशॉट, वो तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं। तुम दोनों बहुत आलसी हो, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। कसरत की क्या जरूरत है, सवारी इतनी आसान है। अलविदा और मदद के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, सब नहीं। देखो माँ, मुझे क्या तोहफा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है। ये निशान बहुत सुंदर लग रहे हैं बकशॉट। ये निशान मुझे अपने सम्मान के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए हौसला देता है। तुम बहुत अच्छे हो बकशॉट, तुम्हें अच्छे भविष्य के लिए और मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ। तुमको जादू से निशान लगाया गया है। हाँ अगस्त्या, तुम ठीक कहते हो, तुमने इन निशानों को पहचान लिया। महान आर्बर ने तुम्हें राजा के लिए चुना है। हाँ, क्या तुम पेड़ों के राजा को जानते हो? हाँ, वो जंगल का बहुत अच्छा शिक्षक है। वो अपनी शक्तियों से जंगल की एकता को बनाए रखता है। वो मेरा भी गुरु है। बच्चों आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार है। वाह, जो भूख लगी है।
बक्शॉट। सिम्बा। देखो सिम्बा, मुझे तुम्हारी तरह निशान मिले हैं। हाँ, एक दिन तुम और मैं दोनों राजा बनेंगे। तुम भी राजा बनोगे और मैं भी राजा बनूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं भी एक दिन शक्तिशाली और होशियार बनूंगा पिताजी की तरह? हाँ, जरूर बनोगे, क्योंकि बलू तुम्हारे साथ है। चलो, खाने का समय हो गया। बलू की देखरेख में आने वाले समय में हमारे दो नन्हे राजकुमार और भी समझदार हो जाएंगे। उन्हें अभी और सीखना होगा, पर फिलहाल के लिए वो खुले आकाश के नीचे आराम से सो सकते हैं अपने दोस्तों और अपनी सितारों की शक्तियों के साथ।